फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रंजन हेयर अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर गलती से आपका डॉग ने छिपकली खा लिया हो, लिजार्ड खा लिया हो, तो क्या करें। जनरली ये कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जब आप पपी लेते हैं तो यहाँ वहाँ दौड़ता है, हर चीज़ से खेलता है, इंसेक्ट्स को पकड़ता है। इन द प्रोसेस घर के जो लिजार्ड होते हैं, छिपकली होते हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं, उसको खेलने की कोशिश करते हैं, एंड सम टाइम इन द प्रोसेस वो खा भी जाते हैं। तो ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, डरें बिल्कुल नहीं, पैनिक मत हो। लिजार्ड तीन तरह से आपके डॉग या पपी को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहला तो बाइट, खेलने के क्रम में मुँह के आसपास बाइट कर लेता है, उससे चेहरे के आसपास स्वेलिंग हो सकती है। लेकिन चूंकि लिजार्ड पॉइजनस नहीं होता, उनमें कोई वेनम नहीं होता, तो उससे कोई पॉइजनिंग नहीं फैलेगी। हल्की स्वेलिंग होगी जो अपने आप चली जाएगी, या आइस क्यूब वगैरह आप लगाएंगे तो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो पॉइजनिंग इफेक्ट होता है, लिजार्ड अपने स्किन के थ्रू पॉइजनस कुछ केमिकल्स सेक्रेट करते हैं जो डॉग में पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। इन द केस आपका डॉग या पपी उसको खा जाता है तो उसको पॉइजनिंग होने का डर है। पॉइजनिंग में क्या होगा, ड्रूलिंग होगी, सलाइबेशन बहुत ज़्यादा होगी, डॉग थोड़ा सा सांसें तेज तेज लेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, वॉमिटिंग हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, नर्वस साइंस दिखने को मिलेंगे, डॉग को चलने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका डॉग कंज्यूम कर लेता है और ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, तो आप इमीडिएटली अपने डॉग को वेट के पास ले जाएं, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और आपके डॉग को स्टेबल कर देंगे। इन दिस केस ऑल्सो जनरली जान जाने का खतरा नहीं है, ये फैटल नहीं है, लेकिन इन रेयर केस हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। और कभी कभी अगर कम्प्लीटली खा जाए, कुछ डॉग ज़्यादा सेंसिटिव हो, उनका बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो फैटल भी हो सकता है, बट जनरली 2-4% ऐसे केस देखे गए हैं। तीसरा जो पॉइजनिंग होता है, थ्रो बैक्टीरिया। जनरली आप देखोगे छिपकली जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया कैरी करता है। साल्मोनेला जनरली छिपकली के बॉडी में जब होता है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब कंजम्पशन से आपके डॉग के बॉडी में जाता है, पपी कंज्यूम कर लेता है, तो उससे उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, लूज मोशन विथ ब्लड, ब्लडी लूज मोशन हो सकता है, और ये सारे रिएक्शंस हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। तो ऐसे में उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप अपने वेट के पास ले जाएं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ट्रीटमेंट चलेगा, ब्लीडिंग वगैरह के लिए इंजेक्शन होगा, एंटासिड्स, एंटीमेटिक और एंटीबायोटिक लगेंगे, आपका डॉग ठीक हो जाएगा। तो जनरली डॉग में ये तीन तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आप देखोगे। अगर कैट में देखोगे, अगर कैट गलती से छिपकली खा लेता है तो क्या होता है। कैट में भी वो सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फेस के आसपास स्वेलिंग हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है, और अगेन स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कैट में क्या है, छिपकली है, लिवर फ्लू कैरी करता है अपने साथ, उसके लार्वा ट्रांसमिट करने का डर रहता है। ऐसे में कैट में लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो लीवर फ्लूक है, ये पैरासाइट्स होते हैं जो लीवर में सिरोसिस काउज करते हैं, गाल ब्लाडर में को डैमेज करते हैं, और सम टाइम बाइल डक्ट में आके उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लीवर फ्लूक की प्रॉब्लम हो सकती है, कैट में एक एडिशनल प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज ओवरऑल अगर सिर्फ खेल रहा है छिपकली के साथ, तो आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।